ये खुद की स्वाभिमान होने की है लड़ाई, खुद कुछ करने की है खुद से है लड़ाई, बढ़ती उम्र के साथ कुछ करने की है खुद से लड़ाई। जिंदगी जीने के लिए हम अनगिनत तकलीफों का सामना करते हैं और मरते दम तक खुद के लिए ही सोचते रह जाते हैं, मगर दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग देखने को मिल जाते हैं जो दूसरों के तकलीफ के लिए पूरी उम्र सेवा कर जाते हैं। छोटी सी उम्र है, पैसे कम है, मगर अगर बातें हो कुछ कर गुजरने की तो हौसले बुलंद है। आप सोचते होंगे हो सकता है ये कोई नेता हो, जी नहीं, ये हमारे समाज की बिटिया है मोनालिसा। छोटे से शहर गोड्डा की लड़की आज गंदी राजनीति करने वाले राजनेता और सत्ताधारियों के लिए जोरदार तमाचा है। कोई बड़े बड़े महलों में रहने वाली नहीं, ये एक राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी की बस खिलाड़ी है। आपदा के इस संकट में इसने कई घरों में भोजन खुद से पहुंचाया और इस खिलाड़ी जिंदगी के मैदान में फिर एक ऐसा खेल दिखाया जिससे हम मोनालिसा के आभारी हैं। कदमा के रहने वाले शरीफ दिव्यांग है, उनके बेटे मोहम्मद नायर की दोनों किडनी फेल है जिस वजह से घर की माली स्थिति काफी कमजोर है। दाने दाने को मोहताज परिवार वाले बेबसी की जिंदगी जी रहे थे। जब इसकी खबर मोनालिसा को मिली तो वो गुंजन कुमार झा के साथ उनके घर पहुंची, राशन मुहैया कराया, साथ ही इलाज मिलने की आश्वासन दिया। राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनालिसा ने लोगों से अपील भी की आगे आए शरीफ और मोहम्मद नायर की मदद करें। मोनालिसा का ऐसा कार्य सराहनीय है, उम्मीद है जल्दी शरीफ के परिवार की मदद की जाएगी। देखा कि मैम ने किसी का मदद कर रहा था तो मेरे पास नंबर था मोबाइल में, तो कॉल किया मैम क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे गांव में एक किडनी पेशेंट है जिसका दोनों किडनी फेल हो गया है और वो एक साल से जूझ रहा है और डेली हफ्ते में दो दिन उसका डायलिसिस होता है जिसमें कि डेली का खर्च उसका समझ लिए कि हफ्ते में उसका 1000 रुपया हो जाता है और उसका फादर भी हाथ से विकलांग टाइप के हैं और मदर भी नहीं चल पाती है, खा नहीं पाती है, खाना नहीं बना पाती है, मतलब बहुत परेशानी है। और गांव के लोग भी हैं जो कि दूसरे गांव का प्रचार करते हैं मगर गांव का जो है वो प्रचार नहीं हो पाता है, ये बहुत दिनों से ऐसा है। तो हमको लगा कि नहीं हम इसका मदद करें, इसलिए हमने मैं मोना मैम और गुंजन सर को अपने कदमा ग्राम कदमा बुलाया और बसंतराय प्रखंड और इसको आज देख रहे हैं यहाँ पे आया मैं। स्टार्ट। नमस्ते, मैं मोनालिसा कुमारी आज बसंतराय प्रखंड के इस कदमा गाँव में आई हूँ। जहाँ तक मुझे मैंने पिछला जो अपना पोस्ट देखा उसमें मुझे कमेंट्स मिला, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत कमेंट्स मिला कि मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैं किसी राजनीतिक दल से आती हूँ इसलिए मैं फ़ोटो क्लिक करा के मैं ग्रुप में डालूँ। ऐसा मेरा कोई नियत नहीं है, मैं जो करती हूँ वो हम लोग अपने सेल्फ के लिए करते हैं, सुकून मिलता है, किसी का हेल्प करके सुकून मिलता है, इसलिए ये चीज़ करती हूँ। गोड्डा जिला नेटबॉल संघ के पास अभी टोटल 1300 खिलाड़ी हैं, मैं सभी खिलाड़ियों से जुड़ नहीं सकती हूँ, सभी खिलाड़ियों से मैं संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने फेसबुक के माध्यम से ये चुना कि मैं उन बच्चों से जुड़ूँ ताकि, क्योंकि अभी सारे बच्चे एक तरह के नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे घर से हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूँ मैं इसलिए फेसबुक के माध्यम से फ़ोटो छोड़ के मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ। आज जो मैं इस गाँव में हूँ, इस गाँव में मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे स्टूडेंट हैं और यहाँ के एक नवयुवक ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट किया कि हमारे गांव में एक पेशेंट है, एक ऐसा परिवार है जिन्हें मदद की आवश्यकता है। मैं ये सब सुन के मैं आज यहां आई